दोबारा मनीष को हम अपने स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट एंड फंड मैनेजर मोतीलाल ओसवाल के। मनीष, बाजार की दिशा को समझने के लिए मनीष ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। मनीष जी, टॉपिक है मार्केट आउटलुक, मतलब मार्केट आगे क्या दिख रहा है। एक चीज समझने की बात यह है कि मार्केट्स काफी एफिशिएंट है और मार्केट्स हमेशा फ्यूचर की तरफ देखता है, सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि सितंबर से लेके आपके मार्च तक, सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे और जो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में क्या चेंज हो सकता है और किन फैक्टर्स पर बाजार का डायरेक्शन डिपेंड करेगा? एक है अर्निंग्स, दूसरा है रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिफॉर्म्स, फंड फ्लोज, फॉरेनर्स कितने बाई कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो कि इन्फ्लेशन पर डिपेंड होगा, केपेक्स क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट साइकिल में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है पर एक इन्वेस्टमेंट जो बूम है वो एक बहुत सीवियर स्लो डाउन के दायरे में है अभी, कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है, पे आउट्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो हो रहे हैं उनकी कितनी डिविडेंड देने की क्षमता है या कितना डिविडेंड दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, मॉनसून्स क्योंकि बारिश का मौसम अब जस्ट शुरू ही हुआ है, कॉर्पोरेट इवेंट्स FCCBs वगैरह के कुछ कन्वर्जन्स हैं, रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिफॉर्म्स, फंड फ्लोज फॉरेनर्स कितने बाई कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो कि इन्फ्लेशन पर डिपेंड होगा, केपेक्स क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट साइकिल में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है पर एक इन्वेस्टमेंट जो बूम है वो एक बहुत सीवियर स्लो डाउन के दायरे में है अभी, कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है, पे आउट्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो हो रहे हैं उनकी कितनी डिविडेंड देने की क्षमता है या कितना डिविडेंड दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, मॉनसून्स क्योंकि बारिश का मौसम अब जस्ट शुरू ही हुआ है, कॉर्पोरेट इवेंट्स FCCBs वगैरह के कुछ कन्वर्जन्स हैं नेक्स्ट 12 से 18 महीने के बीच में वो कैसे शेप अप होगा, ग्लोबल मार्केट्स बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि फंड फ्लो का जो डायरेक्शन है वो ग्लोबल फैक्टर्स पर काफी कुछ डिपेंड करता है, और वैल्यूएशन, डायरेक्ट टैक्स कोड एक बहुत अनदर इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स वो आपके नेक्स्ट एक साल में इम्प्लीमेंट हो रहा है, GST सरकार की पूरी कोशिश है कि कंसेंसस बना के इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, टाइमलाइन मालूम नहीं 2012 से होगा कि 2013 से होगा कि समवेयर इन द मिडल, बट अगर ये होता है तो GDP ग्रोथ में 1.5-2% का इजाफा हो जाएगा तो वो एक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पर भी दिखेगा, FDI इन सेक्टर्स लाइक इंश्योरेंस रिटेल ये मॉनसून सेशन और पार्लियामेंट में टेकअप करने की काफी उम्मीदें हैं, वेदर पास ऑन होता है कि नहीं बट एक कंसेंसस ओपिनियन मोर और लेस रिटेल की तरफ तो बन रहा है और अगर ये होता है तो कुछ सेक्टर्स इंडिया में काफी बेनिफिशियल रहेंगे, 2G स्पेक्ट्रम की जो क्लैरिटी है, फ्रेश ऑप्शनिंग टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह रेगुलेट करने की ये एक अनदर डायरेक्शन है, करप्शन इश्यूज एक्सेट्रा वो भी थोड़े सॉल्व उनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस चल रही है, न्यू लाइसेंसेज ऑफ बैंक्स फर्दर लिबरलाइजेशन इन द फाइनेंशियल सेक्टर एक्सेट्रा आर समथिंग विच इज ऑन द रेडार। आई थिंक एक पॉलिसी रिफॉर्म्स की जो मोमेंटम है वो अगर आगे बढ़ी तो इंडियन मार्केट्स में जो एक सर्टेन डी रेटिंग जो हुई है वो काफी कुछ हद तक मिटिगेट हो सकती है, जैसे कि आपने देखा कि ऑयल रिफॉर्म्स हुए तो मार्केट से एक लेग अप दिया थम्स अप, इसी तरह अगर FDI रिटेल में हो जाता है तो एक अनदर थम्स अप, फॉरेनर्स कुछ पॉजिटिवली इंडिया को और देखना शुरू कर देंगे, इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन मोड में रहती है तो कमोडिटीज कोलैप्स करेंगे, कमोडिटीज में वीकनेस देखने को मिल सकती है, तो इन्फ्लेशन ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा कम अपने आप हो जाए, कंजम्पशन का जो पैटर्न है इंडिया में काफी स्ट्रांग है और दिस इज ऑल ऑन द बैक ऑफ डेमोग्राफिक्स एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सेट्रा जो कि प्ले आउट हो रहा है, पे आउट की बात करें तो कॉर्पोरेट डिविडेंड जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें पे आउट रेशियो लगभग या तो स्टेबल है या थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविडेंड्स थिंग्स आर गेटिंग स्लाइटली बेटर, मॉनसून्स IMD ने ये फोरकास्ट किया है कि लगभग 5% बिलो नॉर्मल
So 95% with a model error of plus minus 4%, I don't think that is too big an issue. But clarity on monsoons आपके August के middle तक आ जाना चाहिए. Corporate events next 12 से 18 महीने के बीच काफी FCCBs के repayments आने बाकी हैं, और ये अनुमान है कि next 12 महीने में लगभग 6-6.5 बिलियन डॉलर का पेमेंट है. तो हमारा ये मानना है कि या तो ये रीस्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि कन्वर्जन प्राइस चूंकि काफी ऊंचे हैं, तो या तो डोमेस्टिक डेट से सब्स्टिट्यूट होके ये रीपेमेंट होंगे, या फिर फॉरेन टू फॉरेन डेट में स्वॉप होंगे, या फिर अगर इक्विटी कन्वर्ट नहीं होते तो डाइल्यूशन होगा. इससे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में डाइल्यूशन का ओवरहैंग जरूर रहेगा, पर इससे पूरे इक्विटी मार्केट्स पर बहुत कोई स्ट्रांग इम्पैक्ट नहीं दिखता है. शॉर्ट टर्म में चैलेंजेस आपके इन्फ्लेशन, कमोडिटी प्राइसेस और यू नो इंटरेस्ट रेट्स, दीज आर थ्री मेन इश्यूज. अगर इनको पूरी तरह समाप्त करते हैं तो मुझे ये लगता है कि 5% का डाउनसाइड मार्केट्स में फ्रॉम द करंट लेवल्स डेफिनेटली हो सकता है, एंड दिस ऑन द बेसिस ऑफ 15 टाइम्स एवरेज ऑफ FY12 अर्निंग्स. अगर आप इन्फ्लेशन है, मुझे ये लगता है कि सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स नथिंग एल्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई बेस इफेक्ट इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे दिखेगा, और मार्च तक अगर ठीक ठाक रहा तो 6-6.5-7% के रेंज में भी इन्फ्लेशन गिर सकता है. और इसमें कमोडिटी प्राइसेस बिकॉज ऑफ जनरल स्लो डाउन इन द डेवलप वर्ल्ड एंड इवन चाइना स्लोइंग डाउन, कमोडिटी प्राइसेस एक डेफिनेट प्रेशर पर रहेंगे. फिस्कल डेफिसिट 5.5% के आसपास का अनुमान है, बट यू नो प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव टू लुक एट दिस इन द लाइट ऑफ 10% फिस्कल डेफिसिट विच इज बींग रन इन द डेवलप्ड कंट्रीज. सो इज इट एक्सट्रीमली ग्लेरिंग कि समथिंग डिजास्टर्स वुड हैव हैपेंड? मुझे ऐसा नहीं लगता. इट इज ऑल अ रिलेटिव फिगर, बट 4.6% डेफिनेटली होता नहीं दिखता है. देर विल बी स्लिपेजेस ऑन अकाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, फूड सब्सिडीज, बिकॉज ऑयल का इश्यू तो सॉल्व हो चुका है, बट नेक्स्ट इश्यूज अगर कुछ रिफॉर्म्स आते हैं इस डायरेक्शन में तो फिस्कल डेफिसिट थोड़ा नीचे होगा, बट हमारा अनुमान है कि 5.5% तक रहना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे. के बाद आपका स्वागत है. अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं. पहला सवाल है यहाँ पर एसएस श्रीराज साहब का, और ये जानना ये चाहते हैं कि बॉटम ऑफ द शेयर क्या कैसे पता करें, और अब इस शेयर का टॉप हो चुका है ये कैसे पता करें. काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि कैसे ये इस बात का अंदाजा लगाया जाए कि अच्छा ये गिरावट आ चुकी है, इसके नीचे अब नहीं जाएगा, यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं. बॉटम या टॉप कुछ नहीं होता. जब वो आप स्टॉक को स्टडी करना शुरू करें और अगर वो अंडर वैल्यूड है, वही आपके लिए बॉटम है, क्योंकि आप उसके पहले तो स्टॉक को स्टडी नहीं किए. अगर आप ये देखें कि कहां तक वो स्टॉक गिर सकता है, तो आप थोड़े स्ट्रेस टेस्ट कर लीजिए उनकी जो सिनारियो एनालिसिस है, या तो अर्निंग्स की या कैपिटल एक्सपेंडिचर की उस कंपनी के बारे में. और इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉर द पेरेनियल लॉन्ग टर्म तो होती है. अगर बिजनेस कंडीशंस अच्छे हैं, कंपनी उन बिजनेस कंडीशंस में अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर रही है, तो उनका स्टॉक प्राइस जो है बढ़ता ही रहेगा, तो कोई टॉप नहीं होता. अगला सवाल लेते हैं. गौरव ने ये प्रश्न पूछा है, यहाँ मौजूद हैं, और गौरव ने पूछा है कि स्टॉप लॉस को कैसे जज करें और क्या सही समय होता है मुनाफा बुक करने का. स्टॉप लॉस रखने के पैरामीटर्स डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स होते हैं. टिपिकली हम लोग जो स्टॉप लॉस रखवाते हैं वो टेक्निकल चार्ट्स और टेक्निकल रीजंस को देख के हम लोग रखते हैं. आम निवेशक के लिए लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकता है अगर हमारी तरफ से एडवाइस नहीं मिले या कोई कंसल्टेंट से एडवाइस नहीं मिले कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए. तो एक दूसरा मेथड आप फॉलो कर सकते हैं कि परसेंटेज आप फिक्स कर लें,
तो आपने कोई भी स्टॉक डिसाइड किया कि मैं खरीदूंगा, तो लेट्स अज्यूम आपने डिसाइड कर लिया कि 2.5% मेरा स्टॉप लॉस होगा और 5% मेरा टारगेट होगा, या 2% मेरा स्टॉप लॉस होगा और 4% मेरा टारगेट होगा। और जहां तक टारगेट को रखने की बात है, तो मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखें, 1:2 का मिनिमम आप रेशियो रखें। गौरव, अगला सवाल भी आपके लिए है, क्योंकि ये भी ट्रेडिंग से ही जुड़ा हुआ सवाल है, और ये भेजा है, ये सवाल है प्रेषित पाटिल साहब का, और प्रेषित कहते हैं कि वो स्टॉप लॉस के को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद से शेयर अपना टारगेट हिट करता है, तो वो स्टॉप लॉस को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। आप जो परसेंटेज आपके स्टॉप लॉस वो शायद कम रख रहे हैं, अगर वोलेटाइल मार्केट बहुत ज्यादा है और मे बी आप शायद 1% और 2% का स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो रख रहे हैं, तो अगर वोलेटाइल ज्यादा है तो मे बी आप अपना स्टॉप लॉस का परसेंटेज बढ़ा के 2.5% कर दें, टारगेट को 5% कर दें, और प्रोबेबिलिटी फिर शायद आपकी रहेगी कि मे बी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो और प्रोबेबिलिटी आपकी टारगेट मीट करने की ज्यादा हो। और ये सवाल है डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता जी का, और इनका सवाल ये है, मनीष आपके लिए सवाल ये कि सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन को हम ब्याज दरें बढ़ा करके 2000 पॉइंट्स का इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन इनका सवाल बेसिकली ये है कि सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन को ब्याज दरें बढ़ा करके कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि डिमांड तो काफी स्ट्रांग है और सप्लाई साइड बॉटलनेक्स डेफिनेटली है, कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो काफी कम रहा है, और सप्लाई साइड इश्यूज को आप ब्याज रेट से नहीं बढ़ा सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज्यादा सप्लाई साइड को डिमांड से मैच करने की कोशिश करें तो आप डिमांड को डिस्ट्रॉय कर देंगे बहुत स्ट्रांगली। आई थिंक सरकार आरबीआई इनका ऐसा कुछ भी मोटिव नहीं है कि यू नो टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रांग यू नो स्लो डाउन इन डिमांड कंडीशंस। सो मुझे लगता है ये मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट ऑन इट्स ओन, कमोडिटी प्राइसेस एक्सेट्रा के कारण भी हो जाएगा बहुत। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहाँ शामिल हुए ऐसे निवेशकों की गलतियों को बताने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। गौरव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस सफर के पहले पड़ाव को समाप्त करने का वक्त आ गया है, लेकिन ये सिर्फ इस सफर की शुरुआत है। हम पूरे देश में आपके अलग अलग शहरों में पहुंचेंगे आपके पास और जानेंगे क्या गलतियां आपने की। अगर आपकी भी है ऐसी कोई कहानी तो अपना मोबाइल उठाइए, मैसेज टाइप कीजिए STORY स्टोरी और हमें भेज दीजिए 57575 पर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।